पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। अगर सच्चा सुख चाहिए तो आओ हम बताते हैं कहाँ है। सच्ची शांति चाहिए तो आओ हम ले चलते हैं सच्ची शांति के उस राज्य में जहाँ जाने के बाद आपको फिर अशांति नहीं हो सकती। अगर अशांति होती है तो समझ लेना तुमने सच्ची शांति का अनुभव ही नहीं किया। अगर एक बार भी वास्तविक शांति का अनुभव कर लोगे तो अशांति कभी फटक ही नहीं सकती। अमृत किसे कहते हैं कि जिसको पीकर मनुष्य अमर हो जाए, मर ही नहीं सकता अमृत पान करने के बाद। ऐसे ही सच्चा सुख किसे कहते हैं कि जिस सुख को पाने के बाद कभी फिर मनुष्य दुखी नहीं हो सकता, जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर कभी प्रतिकूलताओं से परिस्थितियों से वस्तुओं से व्यक्तियों से वो चलायमान नहीं होता अशांत नहीं होता। दिख सकता है अशांत हो रहा है परेशान हो रहा है ऐसा दिख सकता है लेकिन हो नहीं सकता। एक तरफ पांडव पक्ष एक तरफ कौरव पक्ष। अर्जुन कहता है सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, केशव दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, दांत किटकिटा रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे, घोड़े हिन हिना रहे, तलवारें चमक रही है एक दूसरे का सिर उतारने के लिए। युद्ध का माहौल है, भय का माहौल है। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी तो तय नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण का ज्ञान देखो, कृष्ण का अनुभव देखो। बड़े बड़े महारथी क्या तो कृपाचार्य क्या द्रोणाचार्य क्या पितामह भीष्म क्या कर्ण क्या दुर्योधन क्या शकुनी क्या कौरव पक्ष क्या पांडव पक्ष, भीम से लेकर दुर्योधन से लेकर सभी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं। यहाँ तक कि अर्जुन के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं भय की रेखाएं। सिदंती मम गात्राणि बुद्धिम मोहय शिव में, मेरे गात्र मतलब मेरे अंग फड़क रहे हैं केशव। देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं, देखो मेरे पैर कांप रहे हैं, मुझे ये युद्ध नहीं करना केशव। दो रोटी तो कहीं भी मिल जाएगी, भिक्षा तो कहीं भी मिल जाएगी, मैं काट लूँगा अपनी जिंदगी, लेकिन ये अपने भाइयों का वध करके और ये सामने मेरे खड़े हैं गुरुजन जिनके द्वारा जिनके वजह से मैं ये सीखा हूँ धनुर्विद्या, उनके सामने मैं कैसे तीर चला सकता हूँ। ये पितामह भीष्म जिनको मैं प्रणाम करता था क्या उनके सामने मुझे तीर उठाना पड़ेगा तीर मारना पड़ेगा? ऐसा घोर कर्म मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से कुछ भी करवा लो लेकिन ये तो मैं नहीं कर सकता। जो बोलोगे वो सब मैं करने को तैयार, लेकिन ये युद्ध जैसा घोर कर्म इससे मुझे बचाओ, ये मेरे से मत करवा। लेकिन कृष्ण है कि ये अर्जुन अगर तूने नहीं मारा तो क्या ये अमर हो जाएंगे? एक न एक दिन तो मरने वाले ही हैं। अगर तू मरेगा तो स्वर्ग को जाएगा और तू इनको मारेगा तो यशस्वी होगा। हे अर्जुन अपने कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से अच्छा कल्याण का कोई उपाय नहीं है, इसलिए धर्म की रक्षा कर। उठाओ तीर कमान उठाओ और ठोको, तुझे पाप नहीं लगेगा। ये कैसी समता है, ये कैसी बुद्धि है, ये कैसी निष्ठा है कि विपरीत माहौल और विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी कृष्ण का आनंद भंग नहीं हो रहा है, कृष्ण की शांति भंग नहीं हो रही। और हम लोग तो घर में किसी ने कुछ कह दिया बेचैन हो जाते हैं, किसी ने बात न मानी तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारे अनुकूल से कुछ हुआ नहीं तो हम बेचैन हो जाते हैं। और यहाँ ये कृष्ण की विद्या देखो कि युद्ध भूमि में भी उनकी शांति भंग नहीं हो रही, उनका आनंद चौपट नहीं हो रहा, उनकी समता हिल नहीं रही, उनकी परमात्म निष्ठा ज्यों की त्यों है। और इसीलिए तो वो कृष्ण है, इसलिए तो वो भगवान है,
और इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कि वो पूरी जगत के गुरु हैं।